चलिए ठीक है। तो अब थोड़ा सा फंडामेंटल पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा सेंटर जो होता है डेटा का, उस पर बातचीत कर लेते हैं। जो दूसरा सेंटर है डेटा का, वो हमारे पास मोड है। हिंदी में आप इसे बहुलक कहते हैं, मोड को। तो अब बात पहले ये है कि एवरेज हर जगह रामबाण औषधि नहीं है। मीन हर चीज, हर जगह मीन लेना नॉनसेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कहीं पर आप सोचिए एक फादर है और एक सन है, और बेटा 5 साल का है, और पिता मान लेते हैं 35 का है। आपने इसके पैर का नाप, जूते का नाप देखा, बच्चे का जूते का नाप देखा, और आपने एवरेज ले लिया। दीक्षा तिवारी, आपका माइक ऑन है प्लीज। थैंक यू। आपको कुछ पूछना है तो माइक जरूर ऑन करिए, बाकी नहीं तो अननेसेसरी मत करिएगा। तो अब आप ये बताइए, 35 साल के पिता के पैर का नाप और 5 साल के बच्चे के पैर का नाप। तिवारी प्लीज, आप माइक ऑन क्यों कर दे रही हैं बार बार? तो अब आप ये बताइए बच्चों, एक पिता है जो 35 साल की उम्र का है, और एक बच्चा है उसका जो 5 साल का है। आपने दोनों के पैर का नाप लिया, आपने दोनों का एवरेज ले लिया। उस एवरेज साइज का जूता बनाएंगे तो कौन पहनेगा, बाप या बेटा? आप बताइए। आप माइक अनम्यूट करिए। कोई नहीं पहन पाएगा उसको। कोई नहीं पहन पाएगा। तो इसका मतलब मीन भी ऐसा नहीं है कि हर जगह कोई सेंसेबल मीनिंग हो। हर जगह मीन लेने का कोई मतलब नहीं बनता बच्चों। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो फिर ये सोचा गया कि अगर हर जगह मीन सही चीज नहीं है, तो फिर दूसरा क्या हो सकता है? तब ये कंसेप्ट आया मोड या बहुलक का। बहुलक शब्द बहुमत से ही बना है, मेजोरिटी। आप ऐसा करिए ना, आप अपने घर के किसी 10 साल के बच्चे को लेके, मान लीजिए गए दुकानदार के पास, और आपने कहा जूता दिखाइए जरा इस बच्चे के लिए, 10 साल के बच्चे के लिए। आप गौर करिए, अगर दुकानदार अनुभवी आदमी है तो नॉर्मली जो जूता वो दिखाता है, अधिकतर मामलों में आप गौर करिएगा, वो बच्चे के पैर में फिट आ जाता है अधिकतर मामलों में। ऐसा हो सकता है कि आपको जूता पसंद ना आए, उसकी बहुत वजह है। बच्चों को रंग पसंद नहीं आता, कंपनी हो सकता पसंद ना आए, ब्रांड की क्वालिटी पे डाउट हो। लेकिन मेरा मतलब साइज से था। अभी मैं 10 साल के बच्चे की जब बात कर रहा हूं, तो दुकानदार को समझाना चाह रहे हैं हम कि यार 10 साल के बच्चे का जो नाप होता है ना पैर का, उस साइज का जूता दिखाओ, और वो अधिकतर मामलों में बच्चों सही दे देता है। आप ये जूता, टी शर्ट, जीन्स, बाकी चीजों के लिए जो रेडीमेड मिलती हैं, आप अपने लिए भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, या करते होंगे ऐसा। अब यहां पर समझने की बात है कि 10 साल के बच्चे के लिए इसी साइज का जूता आता है, ये कैसे तय हुआ हो? तो मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा कि कंपनी ने जूते बनाने से पहले सर्वे किया होगा, छोटे बच्चों की डिफरेंट एज ग्रुप के पैरों का साइज लिया होगा, और बड़ा साइज लिया होगा, सैंपल साइज काफी बड़ा। ये सैंपलिंग का हिस्सा है कि सैंपल कैसे लिए जाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो अब आप समझिए, आपने मान लेते हैं 1 लाख बच्चों पे, अलग अलग उम्र के 1 लाख बच्चों का डेटा आपके पास है, और आपने देखा कि यार 80% जो बच्चे 10 साल के हैं, 10 साल के, उनके पैर का साइज यही है, यही बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप यही जूता बनाएंगे ना 10 साल के बच्चों के लिए?
लेकिन ये 80% था, तो इसका मतलब जो 20% बच्चे हैं यहाँ भी 10 साल में, उनके कुछ के पैर जरूरत से ज्यादा बड़े होंगे तो वो 12 साल में एडजस्ट हो जाएंगे, और जरूरत से छोटे हो जाएंगे तो 8 साल में एडजस्ट हो जाएंगे, उनको इधर कर लेंगे, कोई बात नहीं। इस तरह से आप बात को लेके चलते हैं। तो आप डेटा का सेंटर का मतलब क्या समझ रहे हैं? जो मेजोरिटी में है वही सेंटर है भाई, 10 साल के बच्चे के लिए ये साइज सही होता तो यही 10 साल का सेंटर है, क्या दिक्कत है? लेकिन ये सेंटर एवरेज से नहीं आया बच्चों। क्या मैं मोड का कंसेप्ट समझा पाया आप लोगों को? कंसेप्ट पे बात हो रही है आज। यस सर। मोड मतलब मेजोरिटी जो चाहती है, तो बहुलक मतलब बहुमत, आप सिंपल समझिए बच्चों। मैं स्टेट और मैथ्स में यही डिफरेंस है, कई डिफरेंस है सॉरी, एक ये भी है। मैथमेटिक्स के साथ दिक्कत यह है कि मैथ्स की थ्योरी अगर कोई है और उसके पार्ट्स में आपके पास मान लेते हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा एग्जाम्पल हैं, उसके विरोध में 8 आ गया, ये 8 विरोध में आने की वजह से थ्योरी नहीं बन पाती मैथ्स में। जबकि स्टेट कहती है अरे मेजोरिटी इधर है ना, हो गया फैसला, हो गया, जिधर मेजोरिटी है उधर ही फाइनल है बस। एक बड़ा डिफरेंस है स्टेटिस्टिक्स वाली अप्रोच में और मैथमेटिक्स वाली अप्रोच में। क्या ये अप्रोच का अंतर समझा पाया मैं? यस सर। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट है जिनकी मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड रही है? कोई नहीं है, यस सर, तो थैंक फिर तो यू। बड़ी बात है कि मैं समझा पा रहा हूं। तो मैं आपको केवल मोड का एक बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं। मोड से क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको बार बार कहा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। सवाल करना सीखना बहुत छोटा काम है, वो हो जाएगा। मोड होता क्या है, और ये भी डेटा का सेंटर है, कैसे सेंटर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अरे 10 साल के अधिकतर बच्चों का अगर यही पैर का नाप है तो यही सेंटर है 10 साल के बच्चों के लिए, तो जो मेजोरिटी में है। तो यहां पर लगता है हाँ यार ये वाला सेंटर ज्यादा सही था, ऐसा लगने लगता है। जब आप पहले वाला पढ़ रहे थे तो लगा कि नहीं पहले वाला सेंटर सही था, अब लगता है ये वाला सेंटर ठीक है। एक सेंटर और होता है बच्चों, इसको हम मीडियन कहते हैं और हिंदी में इसको माध्यिका कहते हैं। ये वाला सेंटर था जिससे हम बचपन से परिचित हैं सभी लोग। आप कहेंगे अच्छा, हम तो अभी भी नहीं है। आप लोगों के स्कूल्स में पहले प्रेयर होती होगी, तो जिनकी हाइट कम है वो आगे खड़े होते होंगे, जिनकी हाइट ज्यादा है वो पीछे खड़े होते होंगे, ऐसा होता था नहीं? यस सर। हाँ, मेरे जैसे कम हाइट वाले सब हमेशा आगे खड़े रहे। तो बच्चों मैंने क्या किया, जरा गौर से देखिए, मैंने कुछ डेटा था उसको एक ऑर्डर में रखा। ऑर्डर मतलब अरे मतलब सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो ऐसे समझो जैसे हाइट है क्लास में बच्चों की, आपने सबसे कम हाइट वाले बच्चे का पहले रख लिया, फिर उससे ज्यादा, ऐसे ठीक हो गया। अब आपने ऑर्डर में लगाया है, क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर असेंडेंट भी हो सकता है, डिसेंडेंट भी हो सकता है, एक ही बात है, उधर से खड़े हो जाओ तो डिसेंडेंट हो गया। अब बच्चों इसमें पोजिशनल मीन लेते हैं, मीडियन का मतलब है पोजिशनल मीन, मतलब बीचों बीच में लाइन में जो बच्चा खड़ा है वही इस डेटा का सेंटर है। अगर ये बच्चा ये बीच में आ रहा है लेफ्ट में, तो इस बच्चे को देखो इसकी जो हाइट है वही सेंटर है, तो तीसरा सेंटर ऐसे निकालते हैं। पूरा डेटा पहले एक असेंडिंग ऑर्डर में रखो और फिर देखो सबसे बीचों बीच में कौन सा आ रहा है, उसका जो हाइट है वेट है उसका जो भी लेना हो
वो इस पूरे डेटा का मान लो, मतलब मन तो नहीं मान रहा होगा तुम्हारा, कन्विंस नहीं हो रहे होगा, लेकिन ये भी तरीका है क्योंकि मीडियन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मीडियन है, माध्य का अच्छा मध्यम है मतलब। तो मीडियन वाला तरीके में क्या करते हैं, ये समझ में आया आप लोगों को? यस ठीक, सर अब न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में होंगे कि मीडियन निकालते कैसे हैं, वो बहुत छोटा काम है बच्चों वाला। तो बच्चों इस तरह से हमने किसी भी डेटा के 3 सेंटर निकाले, मीन मॉड मीडियन। अलग अलग परिस्थितियों में कभी मीन निकालना बेहतर होता है, कभी मोड, कभी मीडियन। तो मीन कहाँ कहाँ क्या नहीं लेना चाहिए, मीन पे भी डिवीजन है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है इतना। चीजों को सरल बनाया जाना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं दूसरे चैप्टर के बारे में भी एक आइडिया दे देता हूँ आपको। दूसरा क्या था बच्चों? मेजर डिस्पर्सन था। ये भी जब पढ़ाऊंगा तो अलग बात है, लेकिन अभी एक आइडिया देना जरूरी है। इसमें हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, और दूसरे को बोलते हैं वेरिएंस, जिसकी हिंदी मुझे नहीं आती, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने सीखा ही बाद में, फिर मैंने हिंदी सोची नहीं। अब ये हुआ क्या, मतलब पहले ये समझते हैं यार, एक बात बताओ, ये आपका डेटा था, डेटा का सेंटर भी आपने लिया। अब बच्चों मैं जिस पीढ़ी में बड़ा हुआ हूं, उस पीढ़ी के 2 महान प्लेयर मुझे बड़े पसंद आए, राहुल द्रविड़ हुआ करते थे और एक वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात समझाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये समझाना है। अब फिर समझो, पाकिस्तान दौरे पे गए, 3 टेस्ट मैच खेलने थे, 8 टेस्ट मैच में 2 पारी होती हैं, तो 3 मैच में 6 पारियां हुई खेली। सहवाग ने पहले मैच में 319 रन बना दिए, फिर 2 मैचों में 0 पे आउट हुआ, 2 में फिर 145 बना दिए, और मतलब ऐसा बना के लास्ट में उसने 6 पारियों में 600 बनाए, ठीक हो गया सर। अब राहुल द्रविड़ ने 95 बनाए, फिर 110 बनाए, फिर 105 बनाए, और इसने भी इत्तेफाक से मान लो 6 पारियों में 600 ही रन बनाए। तो बच्चों 6 इनिंग्स में द्रविड़ का एवरेज हुआ, 6 इनिंग में 600 बने हैं तो 100 का आया, सहवाग का भी यही आएगा, द्रविड़ का भी एवरेज दोनों का सेम आ गया। एवरेज मतलब मीन। अब यार मुझे ये बताओ, ज्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन आपके हिसाब से कौन द्रविड़ सर है? अच्छा जी, ऐसा क्यों? सर जो हमारा एवरेज है, एवरेज की क्लोजेस्ट वैल्यूज पे उसके सारे रन जा रहे हैं। वेरी गुड। देखो बेटा, ये अगर एवरेज 100 है तो द्रविड़ के बाकी स्कोर इसी के आसपास है। सहवाग का भी एवरेज तो 100 ही है, 8 पहुंचाया 319 पे, 8 पहुंचाया इधर 0 में। तो बेटा सेंटर से डिस्पर्सन ज्यादा किसका हुआ है? सहवाग हाँ, जितना सेंटर से ज्यादा डिस्पर्सन होगा उतना इनकंसिस्टेंसी मानी जाती है, और जितना सेंटर के आसपास रहेगा डेटा उतना कंसिस्टेंसी मानी जाती है। आप कहेंगे ये तो सहवाग और द्रविड़ हुए, हमें क्या करना है इसका? करना है ना बेटा पीएचडी में भी। मार्केट में आप एक बात बताइए, जब आप ब्रांडेड कोई चीज लेते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल या कोई भी चीज, आपको मालूम है मोबाइल अगर आप लेने जाएं तो 1.5-2 हजार, 5 हजार, 4-5 हजार में भी मोबाइल जो है चाइनीज ओरिजिन वाले ऐसे मिल जाते हैं जिनमें वो कहते हैं दुकानदार सारे फीचर हैं।
आप 15-20 हजार का मोबाइल लेके आते हैं, वो 4 हजार वाला नहीं लेते, क्यों नहीं लेते होंगे? घबराओ मत यार, अपनी राय बताओ। क्योंकि उसमें उतने फीचर्स नहीं होते होंगे, उतनी रैम वगैरह। नहीं, सारे फीचर वही हैं दोनों में, 5 हजार वाले में भी वही है, 15-20 हजार वाले में भी वही है। लोग तो आईफोन के लिए सर 1.5 लाख वारंट, रुपए ऊपर दे रहे हैं। वजह क्या है? कंसिस्टेंसी सर वारंटी है, कंसिस्टेंसी। सर। आप जब ऐसे मार्केट से खरीदते हैं चीजें जो ब्रांडेड नहीं है, तो आपको ये पता नहीं चलता कि आपके द्वारा खरीदी गई चीज कितने चलेगी। 3 दिन भी चल सकती है, 3 महीना भी चल सकती है, 3 साल भी चल सकती है, और 3 घंटे भी ना चले, ऐसा भी हो सकता है। पता ही नहीं होता कि कितना चलेगी, कंसिस्टेंसी का कोई पता नहीं। लेकिन जब वहीं पर कोई कंपनी आपसे कहती है कि साहब ये हमारा पंखा खरीदो, ये कम से कम 5 साल की इसकी गारंटी है, इसका मतलब है कंपनी के अधिकतर पंखे जो बनते होंगे ना, वो 5 साल या इससे ज्यादा चलते भी होंगे, तभी कंपनी दे रही होगी। अधिकतर मतलब बाय डिफॉल्ट कोई आ गया, ठीक है, लाखों में ऐसा होता है। तो बच्चों, जब आप कंपनी जो डेटा कह रही है उसके आसपास ही बाकी चीजें हैं। आप डेल के लिए मार्केट में लैपटॉप या कंप्यूटर में, आप जानते होंगे डेल की वैल्यू औरों से ज्यादा क्यों है, एप्पल के आईफोन महंगे क्यों है, सैमसंग भी अच्छा खासा महंगा क्यों है, वहीं पर बहुत सारे जो हैं वही फीचर के साथ सस्ते में क्यों बेचते हैं। तो बेटा जो कंसिस्टेंसी लेवल है ना, वो जितना बेहतर होगा मार्केट में, आपकी ब्रांड वैल्यू उतनी बढ़ते जाएगी। अगर मैंने कोई चीज खरीदी और मेरा मोबाइल फोन 5 साल चल गया, अब मैंने सबको बताया यार ये बहुत अच्छा है, 5 साल चल रहा है, और मेरे साथियों ने भी खरीदा, तो आप समझिए अगर औरों के अनुभव भी ठीक जा रहे होंगे, तो कंसिस्टेंसी अगर ज्यादा है, इटका दुटका चलता है, मतलब आप समझ रहे होंगे, मेजोरिटी वही रहनी चाहिए। मार्केट वैल्यू आपकी कंसिस्टेंसी से बनती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो आपका सेंटर आ रहा है, आपका डेटा बाकी भी उसी के आसपास आए, ऐसा ना फैले बहुत दूर दूर तक कि कोई 80 दिन खराब हो जा रहा है, कोई 2 साल चल रहा है, कोई 6 साल चल रहा है। तो नाम से क्लियर है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। डेविएशन मतलब समझिए, कैसे निकालेंगे वो तो बाद में होगा। क्या मैं समझा पाया? यस सर, यस तो सर। हाँ जी, आप जब डेटा निकालेंगे ना, आप लोग भी जब कोई भी जिस फील्ड में भी आप रिसर्च करते हैं, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम आएगा, इसका मतलब आपका डेटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है, उतना एक्यूरेसी के नजदीक है, इसका मतलब आपने काफी सिस्टम, स्टेबल सिस्टम के साथ काम किया है। वरना आपका डेटा बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो डाउट होने लगता है गाइड को भी कि ये सच में है या फर्जी वाला है। तो डेटा वास्तव में अगर आपका होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा। या दो बच्चों ने एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, डेटा में जितना आपकी कंसिस्टेंसी आए, तो मार्केट वैल्यू, आपके डेटा की वैलिडिटी, ये सारी चीजें आपके इस पे डिपेंड करती हैं कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कम है। सरल शब्दों में कहें तो डिस्पर्सन कितना कम है। तो डिस्पर्सन कहाँ से निकालोगे? सेंटर से। तो पहला काम हुआ सेंटर निकालो, दूसरा काम हुआ सेंटर से डिस्पर्सन निकालो। दो चैप्टर तो आपके ये हैं। तो एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश की है मैंने दोनों चैप्टर्स की, फाउंडेशन की, कि हम ऐसा ऐसा पढ़ने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों, वो अब ये है कि एक तरफ से मटेरियल कराऊंगा, अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो, नहीं आता है तो फिर ठीक ही हुआ। कि भाई अब सवाल जैसे मेन पे आए, तो मेन के सवाल थोड़ी कराए मैंने, तो अब सवाल कैसे करेंगे वो भी सीखना है, घबराना नहीं है।
देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को मैथ्स में दिक्कत होती है या आप लोग घबराते हैं, तो इस वजह से मैंने बहुत स्लो स्पीड रखी है। अब आप ही लोग बताइए कि इस स्पीड में आप सब लोग कंफर्टेबल हैं या नहीं, या कोई दिक्कत है? यस सर, कंफर्टेबल है। अच्छा, चलिए ठीक है फिर। ये टाइमिंग भी ठीक है? ठीक है फिर, कल हम लोग अब एक तरफ से क्वेश्चंस के साथ काम करेंगे, जैसे सवालों को कैसे करें, कोई डाउट हो तो बताएं। बाकी ये कहना कि आप अपने साथियों को एनकरेज करें अटेंड करने के लिए, उसकी मैं जरूरत नहीं समझता। सिंसियर हो, दो चार ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये समझ भी गया कि ये खास डिमांड थी नहीं बच्चों की, खाली मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।